The end of the month and the weekend. I'ma spend this track, everything on me. Yeah, I'ma tip myself, I'ma spend it on myself. I'ma drop it like it's pouring, I'ma pour it on myself. Check, 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 check the money, making think account number. That's that shit that's never getting bounced on. You should do the money that's जा रही हूँ। अरे रुको, तो कहाँ जा रही हो? मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, बस प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। इतनी आसानी
थी, लेकिन वो मेरी बात सुनता ही नहीं है और मुझसे नफरत करे जा रहा है। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है तुम पहले स्टार यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, जहाँ पर उस लड़की के साथ वो इंसिडेंस हुआ था, तो क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम उस टाइम कहाँ थे? मैंने कुछ किया नहीं था, लेकिन मुझसे एक गलती हो गई थी। गलती? पर कैसी गलती? एक्चुअली जिस दिन उस लड़की के साथ वो सब हो रहा था, तो उस टाइम मैं वहीं पर था। मैंने वो सब देखा भी, लेकिन मैं इतना डर चुका था। वैसे भी वो लोग बहुत खतरनाक थे, इसीलिए मैं उनके पास नहीं गया और ना ही मैंने उसे बचाया। और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे आज तक गिल्टी फील होता है इसके लिए, लेकिन मैं क्या करता, उस टाइम मेरी ज्यादा उम्र नहीं थी और मैं बहुत डरा हुआ लड़का था, इसीलिए मैं वहाँ नहीं गया। क्या तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें उसे बचाना चाहिए था। मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। वैसे तुमने उसका फेस देखा था? वो लड़की कैसी दिखती थी? नहीं, मैंने उसका फेस नहीं देखा था। वो लोग उसके आगे खड़े हुए थे, इसीलिए मैंने उसका फेस नहीं देखा। ओह, तो ये बात है तुम्हारी और जंगू की लड़ाई की वजह। एनीवे, इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं थी। अब जो हो गया उसे तो हम बदल सकते नहीं है। चलो ये सब छोड़ो, मुझे इस सब की बातें नहीं करनी। अभी भी बात करता हूँ तो मुझे अजीब सा फील होने लगता है। ओके, तो मुझे बस यही पूछना था। मैं चलती हूँ। रुको टाइम, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एक्चुअली तुम्हें नहीं लगता कि जंगकुक तुमसे प्यार करता है? क्या तुमने क्या कहा? तुम्हें ऐसा लगता है? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पागल किसी से प्यार नहीं कर सकता। तुम्हें नहीं लगता होगा, लेकिन मुझे उसकी आंखों में साफ साफ दिखाई देता है। मैंने आज तक उसे इतना खुश नहीं देखा जितना वो तुम्हारे साथ रहता है। वो शराय के साथ भी रहता था, लेकिन इतना खुश मैंने उसे कभी नहीं देखा। वो अगर प्यार करता तो आकर बता नहीं देता। और वैसे भी तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे ताए, वो बहुत ईगो वाला प्राणी है। वो अपनी सारी फीलिंग्स को अपने दिल के अंदर रखता है, उसे बाहर नहीं लाता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो अपनी फीलिंग्स बाहर लाए और तुमसे कन्फेस करे कि वो तुमसे प्यार करता है। अरे यिन्वो, वो तब बोलेगा ना जब उसके दिल में कुछ होगा। उसके दिल में कुछ भी नहीं है, तुम मुझसे पूछो, क्योंकि जब देखो वो मुझसे लड़ता रहता है और तुम कहते हो कि वो मुझसे प्यार करता है। कभी नहीं। ओ होता है, वो तो उसकी आदत है लड़ने की, इसलिए वो तुमसे लड़ता है। लेकिन सच में वो तुमसे प्यार करता है, चाहे तुम आजमा कर देख लो। मतलब क्या है तुम्हारा? कैसे आजमाओगे? ताए, जेलसी। देखो, जेलसी में इंसान सब कुछ बाहर निकाल देता है, तो ये जंगकुक की फीलिंग ही क्या है? तुम्हें पता नहीं ऐसा क्यों लगता है, लेकिन मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। और वैसे भी मैं तुम्हारे शक दूर करने के लिए ये ट्रिक भी आजमा लेती हूँ। तो फिर ठीक है, आज से हम लोग जंगकुक को इतना जेलस करेंगे कि वो खुद अपनी सारी फीलिंग्स को बाहर निकाल देगा। ठीक है, आजमा कर देख लेते हैं। ओके, तो मैं अब चलती हूँ। हाँ, क्यों नहीं, बाय। फिर उसके बाद ते वहाँ से बाहर आ जाती है। वो देखती है कि जंगकुक बाहर ही खड़ा हुआ था। तुम यिन्वो के रूम में क्या कर रही थी? वो मेरा पर्सनल मैटर है, तुम क्यों बीच में आ रहे हो? ओके फाइन, तुम्हें जो करना है करो, मैं चलता हूँ। हाँ तो जाओ ना, मैंने कहा रुका है तुम्हें। मुझे तो नहीं लगता कि प्यार करता है, अगर करता होता तो अब तक जल भून के राख हो जाता। मैंने पूछा क्या हो रहा है यहाँ पे? वो ये होंगी क्या है ना, भाभी ने ही कहा था ये सब करने को। क्या मैं जिमिन, बोलो क्या हो रहा था यहाँ पे? तुमने ही कहा ब्राइट को सब करने को। वो मैं ब्राइट बाहर जाऊँ। जिमिन अब बताओ क्या हुआ है, बताओ। वो ब्राइट सही कह रहे, मैंने ही कहा था, मुझे पागल समझ रखा है। और वैसे भी जो लड़की अपने हस्बैंड को उसके क्लोज में आने देती, तो वो दूसरों को क्या ही आने देगी? अब तुम मुझे असली वजह बताओगी कि यहाँ पर हो क्या रहा था? कोई बात नहीं है, अब मैं तुम्हें जवाब क्यों दूंगा कि कैसे बात कर रही हो तुम? मैं ऐसे ही बात करती हूँ, अगर तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो जाओ यहाँ से। तुम ऐसे कैसे बात कर सकती हो? पहले तो तुमने कभी भी ऐसे मुझसे बात नहीं की। अब से मैं ऐसे ही बात करूंगी, अगर करना है तो करो वरना जाओ। और वैसे भी मैं चाहे जिसको अपने क्लोज आने दूं या फिर ना आने दूं, उसमें तुम क्यों बोल रहे हो? तुम बोल रही हो क्या? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और ये पूछना मेरा हक है। तुम रात रात को लेट आते हो, मैंने कभी पूछा तुमसे कि तुम बाहर क्या करते हो? जिमिन, तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि मैं बस ऑफिस में लगा रहता हूँ और कितना काम रहता है ऑफिस में, इसलिए लेट हो जाता है। और तुम मुझे मत सिखाओ, मुझे पता है कि तुम क्या करते हो। एनीवे, तुम यहाँ से जा सकते हो, मुझे अभी अकेला रहना है। मुझे पूरा यकीन है वो कुछ ना कुछ करके मेरी शादी किसी और से करा देंगे। वो बहुत ज्यादा
दीजिए बेटा, वो जिद्दी है तो तुम डबल जिद्दी हो गए हो। जब वो कह रहे हैं कि किसी और से शादी कर लो तो क्यों नहीं करते हो? मॉम आप ही तो हो जो मुझे समझते हो, लेकिन आप भी डैडी जैसी बातें कर रहे हो, प्लीज ऐसा मत करो। मैं जानती हूँ बेटा तुम आयु से प्यार करते हो, लेकिन मैं क्या करूँ? मॉम प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मुझे आयु के अलावा और कोई नहीं चाहिए, हम भी नहीं चाहिए। मॉम देखिए खून के रिश्ते कभी नहीं बदलते, और वैसे भी खून के रिश्ते चाहे जितनी दूर चले जाए वो वापस आ जाते हैं, लेकिन मोहब्बत नहीं आती। उसे अगर एक बार छोड़ दो वो चली जाती है, इसीलिए मैं उसे अपना बनाना चाहता हूँ। अपनी मॉम को क्या पट्टी पढ़ा रहे हो? हाँ अगर मोहब्बत को छोड़नी पड़े तो छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी फैमिली तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और मेरी पसंद की हुई लड़की से तुम शादी करोगे। पर शादी मुझे करनी है तो मुझे पता है कि मुझे किससे करनी है और किसके साथ मैं खुश रहूंगा। हाँ तो ठीक है जाओ कर लो अकेले, हम में से कोई नहीं जाएगा। आपको प्रॉब्लम क्या है आयु से? उसके डैड भी तो एक बड़े बिजनेसमैन है ना, आप उनसे हेल्प ले लीजिएगा। मैं और उस जनशो से हेल्प लूँ? कभी नहीं, मुझे उससे नफरत है और उसकी पूरी फैमिली से नफरत है। हाँ तो दुश्मनी से दोस्ती ले लीजिए ना, वैसे भी आप बस एक सॉरी बोलेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने कई बार आपको सॉरी बोला, लेकिन आप ईगो में क्यों नहीं एक्सेप्ट करते हैं? ये हम बड़ों की लड़ाई है, बीच में मत आओ तुम। नो डैड मैं नहीं आ रहा, आप खुद मुझे बीच में ला रहे हैं। आप मेरी शादी आयु से क्यों नहीं करवा देते? अगर आप नहीं करवाएंगे ना तो मैं खुद कर लूंगा। देखो भाई मैं बस इसके मुँह से हाँ सुनना चाहता हूँ और वो तुम करोगे। और मैं उसे बचपन से जानती हूँ कि उसका नेचर क्या है और वो क्या क्या कर सकता है।
कि उसके बाद जंगकुक की फीलिंग बाहर आ ही जाएगी, चाहे देख लेना।